हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम आ गए हैं इस चैनल की सेकंड वीडियो में। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने तरीके के हैं एंड ऑल दैट। बट मैंने उनका काफी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, कुछ से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। तो माय सेल्फ धैर्य बंसल, और आज शुरू करते हैं हम उन्ही नंबर्स को, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे हम। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, रेडी स्टडी एंड गो। सो कल हमने जो नंबर्स के बारे में बात की थी, वो नंबर्स थे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह वगैरह। उसमें मैंने एक लास्ट में नंबर दिया था आपको, रेशनल नंबर। क्या रेशनल बोलो, रेशनल बोलो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं लोग, तो आप रेशनल नंबर्स। इसमें तो रेशनल नंबर्स के बारे में उसमें हमने बात की थी, वो हमने बहुत छोटी सी फॉर्म में बात की थी। वो एक अच्छा बड़ा टॉपिक है। तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स के बारे में, तो हेडिंग डाल देते हैं, देखते दिखाते हैं आपको। सबको दिखाई दे रहा है। तो हमने आज हम बात करेंगे इस रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब पहली बात, अब क्लासिफिकेशन। रेशनल नंबर्स भी एक टाइप के नंबर्स का पार्ट है। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो हम अपने नंबर सिस्टम को, बेसिकली नंबर्स को, दो तरीके के नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने तरीके के नंबर्स में? दो, रियल एंड इमेजिनरी। किसमें? रियल एक, और एक इमेजिनरी। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में ये आपके काम का फिलहाल नहीं है, इसमें हम ना इसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। ये आपको मैं आगे की वीडियोस में, ये आपके 11th 12th क्लास का काम है, ये अभी फिलहाल का इतना मेजर काम नहीं है। मेरा मेन टॉपिक फोकस आज इन नंबर्स पे है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो अब रियल नंबर्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर देते हैं बेसिकली, यही एक तो रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। किस किस में? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में हम रियल नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से भी आज हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम केवल इसकी बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी को शायद से मेरी बात इतनी समझ में आती है कि आज हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको डेफिनेशन भी डिक्टेट करूंगा, आप लोग वो भी लिख सकते हो, बाकी समझा तो मैं आपको रहा ही हूं। तो फोकस ऑन दिस, सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको जनरल में से छोटी सी क्लासिफिकेशन से बताई है। अब देखो क्या होता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पिछली बार बताया था कि जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको उनको हम लोग रेशनल नंबर्स बात करते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। दीज नंबर्स आर सेड टू बी एज रेशनल नंबर्स। पर अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि व्हाट यू मीन बाय रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। प्राइम है बेसिकली पी आर आई एम ई, ठीक है। फिर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब आप कहोगे भैया को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर ये? तो को प्राइम नंबर्स कुछ ऐसा नहीं, हम प्राइम नंबर्स समझते हैं जिनका फैक्टर क्या होता है, वन या वो खुद। तो इसमें को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि पी और क्यू दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल क्या है? वन। सी एफ दैट इज कॉमन फैक्टर, वो केवल वन है। किसका? पी एंड क्यू का। वन मतलब एक नहीं, मतलब वन, ओ एन नहीं वन, आपका न्यूमेरिकल वन है, सिर्फ दिस वन क्या है, सिर्फ वन है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। तो अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद रखना इस बात को, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, और उसके साथ साथ पी और क्यू आर को प्राइम नंबर्स। दैट सेज दैट को प्राइम मीन्स दैट बोथ द नंबर्स हैव एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एज वन। इज इट क्लियर?
everybody is clear with my terms. What do you mean by rational numbers? This is what we call it as rational numbers. Okay. अब ये तो बात हो गई सिंपली रेशनल नंबर्स के बारे में कि वो होते क्या है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ तो सबको दिख रहा होगा बोर्ड। अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं रेशनल नंबर्स के? इज इक्वल टू अपॉन थ्री, इज इट सो? फोर अपॉन सेवन, सिक्स अपॉन हम यू कुछ से नाइन सेवन फाइन एक्सेट्रा, देयर आर सो मैनी, you can't even count about that. So now one question arises that right now I just said that the common factor HCF is only one, basically one. So what about this number? Isn't it a rational number? It basically clarifies the property of rational numbers that q is not equals to zero. That is of course right. But if I talk about the co-prime case, then they both are not co-prime. Why? This is not co-prime. Why? Because the common factor here is 2. Is it so? 2 4s are 8 into 5 is 10. Is it very clear? So the common factor here is 2. And if the common factor is 2, they are not co-prime. And if they are not co-prime, they doesn't satisfy one condition to be the rational number. So, according to us, this is not a rational number, but it is not. It is a rational number. It is just, it's not in its standard form. Am I clear to everybody? It is also a rational number, but the thing is that it is not in its standard form. If you simplify it, you can see it as 2 4s are 8 and 2 5s are 10. Here, the rational numbers come out to be 4 upon 5, and it is particularly, it satisfies both the condition. Number one condition is the co-prime one, and the second one is not equal to 0 1. Both. It satisfies both of the conditions. That means it is our rational number. It's just, it is not in its standard form. And we can easily take it out, or you could say conclude it in its standard form by just cutting it or simplifying it, that we used to say, you could say the best or the good term or the expected term is simplify it. So yeah, this is what is called as standard form. These are our rational numbers. I guess we have just cleared all the doubts that could arise till here. If anybody has any kind of doubt, so they can easily comment it out here. I will just solve their doubts. Yeah. So, yeah. These are what we call it as rational numbers. Now, there are numerous properties of these rational numbers. Right? There are numerous properties on these rational numbers. Now, what are those properties? In this video, I will count on them, that how many and what properties are named. And in the next video, I will elaborate each and every. In this video, I will also try to elaborate 2-3 things. But if it would be possible, because if the length of video is stretched, then you people don't see it till the end. So that's why I'm preferring it to do it a short and a good. You could say, so yeah. So I will just tell you the properties. Properties of rational numbers. And this is not like that, that if you will say that I am not teaching any kind of class, I'm just pointing out things. It's just because this topic is in 5th, 6th, 7th, 8th. In all these classes, you can find a chapter rational numbers. And its application, in fact, it is even in 9th. It's even in 9th also. And if I am not wrong, its part is in 10th also. I'm right now. So these are some basic things that is required by everyone, or these are the things that everyone should understand. Tabhi wo different type of questions may apply, kyunki yahi hote hain at the end. So yeah,
अब प्रॉपर्टीज के बारे में जल्दी हम बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास न्यूमरस प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अब इस प्रॉपर्टी का बेसिक मीनिंग है, दिस प्रॉपर्टी शोज दैट व्हेनेवर वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड अ रेशनल नंबर विद अनदर रेशनल नंबर, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हिंदी में बता देता हूं कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो हमको रिजल्ट में भी क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए 2, 3, दोनों रेशनल नंबर से मानते हैं आप इसको अपॉन 1, तो ऐड अगर आप करोगे तो 5 मिलेगा जो कि एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो 6 मिलेगा जो कि एक रेशनल नंबर है, डिवाइड कर दो 2/3 मिलेगा जो कि एक रेशनल नंबर है, और क्या बच गया, माइनस कर दो -1 मिलेगा जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, इफ एनीबॉडी इज राइटिंग देन दे कैन राइट दैट क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड ऑन रेशनल नंबर्स दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दैट इज फॉर श्योर। Am I clear to everybody what I am trying to configure out from this closure property? This is what we call it as closure property. What the second one states? Now, this was the first property. If I come on the second property is commutative property. Clear? What is it? Commutative property. This is also a very simple property. What does it states? It states that whenever, or you could say, I just write and then you could be more clear about that. Then, manlo, A is a rational number and B is also a rational number. So, according to this commutative property, if we do A plus B or we do B plus A, it is always equal. That basically the reverse digits, if we reverse the rational numbers and then apply a mathematical operation, then the answer is same. Example, I guess so. Then it is reverse. 2 + 3 = 5. Also, 3 + 2 = 5. कोई फर्क ही नहीं है ना? है कि नहीं है? अब multiply के देखते हैं तो plus की बात हो गई. Multiply में देखते हैं. A multiply B is always equals to B multiply A. That is for sure. Is it so? Example में ले लो आप 3/3 × 2 क्या होता है 6, और same 2 × 3 भी क्या होता है 6, पर ये property बस यहाँ पे आके मार खा जाती है। इसके बाद in minus और in divide the answer is always a rational number according to the closure property, but yeah the same rational number is not there. Example if you take like if I do a minus b, everybody look at, if I do A minus B, that is 3 minus 2, example 1. But if I do the reverse, that is B minus A, it is minus 1. They are not same. नहीं है. Same कहाँ? Same है? नहीं है. तो यहाँ पे हमारी commutative property खत्म हो जाती है. इसी को यही basically एक है था. Same अगर आप divide में चलो अच्छे चलो. If I do A divided by B, example ले लो 4 और 2 का. तो 4 divided by 2 is 2. पर आप रिवर्स करो b divided by 2 divided by a that is 2 divided by 4, इज इट 2? नो, इट इज 1/2. सेम आए? नहीं आए. तो यहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो काम नहीं करती. तो बेसिकली हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी केवल तब तक अप्लाइड है जब तक हमारे रेशनल नंबर्स या तो एड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड या माइनस के केस में वो चीज अप्लाइड नहीं है. इज इट सो? एवरीबॉडी इज क्लियर विद द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? Am I clear to everybody? Okay. Then
अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो गई, दूसरी प्रॉपर्टी, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इस वाले वीडियो में मैं इस तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, कंटिन्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस आगे की प्रॉपर्टी और भी है हमारे पास, तीन मैं यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपकी वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट एंड सिंपल रहे, ताकि आपको एक साथ ना देखना पड़े, वरना एक साथ देखकर आप लोग थोड़े से परेशान हो जाते हो। मैंने नोटिस करा कि मैं भी हो जाता हूँ, अगर मैं भी किसी की वीडियो देख रहा हूँ बैठ के और वो वीडियो है 3 घंटे की या 2 घंटे की 1 घंटे की, तो मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। सो मैं भी गेस्ट प्रेफर करता हूँ कि 10-10 मिनट की 3 वीडियो देख लेता हूँ, तो वो मटेरियल मेरे को सेम मिल जाता है, पर थोड़ा सा एक टाइम मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरा कम लग गया। सो इसीलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका भी सेम कुछ कुछ ऊपर वाले की तरह ही हाल है, इट इज ऑल्सो सेम एज द अबव वन, बट ये भी सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस, सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई, इन दो केसेस पे अप्लाइड है, माइनस वाले पे और डिवाइड वाले पे नहीं है, माइनस वाले पे और डिवाइड वाले पे नहीं है ये अप्लाई, ये सिर्फ प्लस और माइनस वाले पे अप्लाइड है, सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई वाले पे। एग्जैक्ट बहुत ही क्या है बेसिकली, इसमें जैसे मैं दो चीजों की बात करी, मैं लिख देता हूँ दैट रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू आवर रेशनल नंबर, राइट। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख सकता हूं दैट ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, सिमिलरली ए मल्टीप्लाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। इसके बारे में बात करें, इसमें हमारे पास 2 की जगह 3 हो जाते हैं, बट मान लो 3 रेशनल नंबर्स है ए प्लस बी प्लस सी, याद रखना प्लस और मल्टीप्लाई में अप्लाइड है, ये भी उसमें नहीं होने किया माइनस या डिवाइड में, उसका रीजन जैसे ऊपर नहीं हो रही थी वो फिर क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, इंटीजर्स बदल जाएंगे, प्लस का था माइनस का आ जाएगा, हो सकता है इनवर्स आ जाए, रेसिप्रोकल आ जाए, तो वहां पे ए प्लस बी प्लस सी क्या कहता है कि ऑलवेज ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। कंडीशन इसमें है क्या कि मैं पहले इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया, बेसिकली इस केस में आई हैव टू डू एडिशन विद ए प्लस बी फर्स्ट एंड देन द रिमेनिंग आंसर आई हैव एडेड विद सी। यहां मैंने उल्टी तरफ क्या करूंगा, पहले मैं बी प्लस सी को एड कर दे दू, यहां मैंने कह दिया कि मैं ए प्लस बी को पहले नहीं कर रहा, मैं बी प्लस सी को पहले एड कर रहा हूं। अब यहां पर ये प्रॉपर्टी क्लैरिफाइड हो जाती है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां पर 2 प्लस 3 प्लस 4 3 4, यहां पहले प्लस करो, 2 प्लस 3 इज 5 5 प्लस 4 इज 9, यहां करो पहले 3 प्लस 4 इज 7 7 प्लस 2 इज ऑल्सो 9, क्लैरिफाई हो गई, क्लैरिफाई। सो दिस इज व्हाट आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर अच्छा ये तो प्लस की बात हो गई, अब मैं मल्टीप्लाई के बारे में भी देख लेता हूँ, चलो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए ताकि मैं सब कुछ लिख देता हूँ, है ना। उसके बारे में बात करो तो मल्टीप्लाई ले लो, ए मल्टीप्लाई बी पहले कर रहा हूँ और फिर उसको मल्टीप्लाई सी कर रहा हूँ, फिर ए मल्टीप्लाई बी प्लस मल्टीप्लाई सी कर रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी कुछ है रेशनल नंबर है हमारे, आई एम क्लियर अबाउट दैट, है ना। अब एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो कोई 2 × 3 × 4, यहाँ पे ले लो 2 × 3 × 4, राइट, क्या होगा 2 × 4 = 6 6 × 4 = 4 × 12 = 24, आया ना। तो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों केसेस में ये दोनों प्रॉपर्टीज वर्क कर जाती है, माइनस और डिवाइड में माफ आ जाती नहीं है, क्योंकि कभी रेसिप्रोकल आ जाता है तो कभी इंटीजर बदल जाता है, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, ठीक है ना। कहो तो दिखाओ माइनस वाला करके देखो, एग्जांपल चलो देख लो आप लोग, ए माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को कर रहा हूँ ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। मैं ये ट्राई करता हूँ, माइनस वाला दिखाता हूँ, डिवाइड वाला आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, जैसे 2 − 3 − 4, ठीक है। यहाँ पे भी 2 − 3 − 4, तो 2 − 3 − 1, राइट, एंड −1 − 4 = −5, राइट ना। माइनस प्लस माइनस 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 पढ़ा है तो वो सब तो आएगा, आपको पता है क्लास बेसिक वाली, इसके बारे में भी ले लूंगा कि प्लस माइनस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में क्या करते हैं, वो एक बेसिक क्लास अलग से छोड़ दूंगा 10-15 मिनट की, वो आप देख के और क्लियर कर लेना, आगे के लिए भी आपको काम में आ जाएगी। माइनस फाइव इधर देखना, अच्छा 3 − 4 = −1 एंड 2 − 2 + 3 = 3, तो यहां पर हमारी क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मात खा गई। सेम केस डिवाइड के लिए भी हो जाता है। तो ये हमारी फिलहाल मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, क्लोजर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव।
प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सब हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। इनका जिक्र मैं आपसे इस वीडियो के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ। सो कैरी रखना, इसको उतार भी सकते हो आप लोग, एक मिनट रुको, इसको उठाकर ना मैं आपको एक बेसिक बात लिख के दे देता हूँ। जैसे यहाँ प्लस बी है, मल्टीप्लाई लिख देना, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये वन दोनों प्रॉपर्टीज आपकी सही बैठती है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको उतार भी, कुछ कॉपी और इसको क्लियर रहेगा आपको, है ना। सो या आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताई, बाकी चार प्रॉपर्टीज के बारे में बात, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। और या सबसे जरूरी बात, अभी बिल्कुल नया नया स्टार्टिंग है तो डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियोस को। अभी मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक ठाक बन गया ना, इज इट कन्फर्म थोड़ा थोड़ा, है ना। तो लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो वीडियो को, हमारी लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, ट्राई करो कि शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मटेरियल मैं बस बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोगों को मुझे दिखेगा कि मेरे को सपोर्ट आ रहा है तो मैं कुछ से स्टार्ट करता रहूंगा, स्टार्ट तो कर ही दिया, इनफैक्ट आई वुड कंटिन्यू इट रदर ऑन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। इसको एसएसबी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, बाकी उतारना चाहो उतार लो, आपकी अपनी इच्छा है। सो या इट्स ऑल फॉर टुडे, इनफैक्ट फॉर दिस वीडियो, सेकंड वीडियो में इसके बाद वाली बची प्रॉपर्टीज के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो या थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।